ये है द ब्रेकर अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन इफ द कार टेक 2 सेकेंड्स टू स्टॉप आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ ब्रेकर कैलकुलेट द डिस्टेंस इट्स ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको पता नहीं चलेगा आप ऐसा पुट करने आओगे जैसे क्वेश्चन को ऐसा करने आओगे सॉल्व। अच्छा लेकिन ये क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा ही टफ है। आप क्या करोगे आप क्वेश्चन पढ़ते आओगे और सीधा आप अपना इक्वेशन और मोशन लगाओगे इक्वेशंस लगाओगे इक्वेशन में पुट करने जाओगे वैसे ही देखोगे इसमें कुछ कुछ चीज गायब है। कैसे मैं बताता हूँ अभी देखते हैं चलो क्वेश्चन में देखते हैं। और लेकिन ये देखा जाए तो आपको मैं आपको सजेस्ट करूंगा यदि आप एनसीईआरटी के पूरे प्रॉब्लम आपने सॉल्व कर लिया पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया है तो आप फिर दूसरे बुक को रिफर कीजिए क्योंकि आपके जो पेपर है उसमें एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं आने वाला है। ये आपको मैं लिख के देता हूँ और आपका पेपर होगा तो भी आप चेक कर लेना क्योंकि एनसीईआरटी जब क्लास 9th में आप पहुंच जाओगे आपको एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन खासकर मैथ्स और आपका फिजिक्स में तो बिल्कुल नहीं आएगा बुक के अंदर का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अब जो मैंने सबसे पहला वाला क्वेश्चन करवाया कॉम्प्लिकेटेड वाला थोड़ा उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए कैसे करने हैं करके वो क्वेश्चन आ सकता है वो भी 3 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये सब तो 2 मार्क्स का आएंगे वो शायद 3 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन। और चलो स्टार्ट करते हैं इसको उसका जो डेरिवेशन है जो थर्ड अपने 3 क्वेश्चन और मोशन है इस चैप्टर के वो अकेले अकेले 5-5 मार्क्स का आएंगे तो वो सेकेंड वीडियो में आपको थोड़ा उसको और समझ के सब क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगी। तो चलो इसको पहले करते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको आपको तरीका देखो उसको सॉल्व करने का। द ब्रेकर अप्लाइड टू ए कार प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर्स तो ये लिख लो पहले मुझे मिल गया एक्सेलरेशन बता दिया है 6 मीटर्स को इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन इफ द कार टेक 2 सेकेंड्स टाइम भी हमें बता दिया गया है 2 सेकेंड्स है ठीक है टू स्टॉप। ये देखो ये जो चीज है स्टॉप स्टॉप यदि आ गया मतलब जो उसकी वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी क्योंकि वो जो भी वेलोसिटी में आ रहा होगा जैसे स्टॉप लगा उसकी वेलोसिटी क्या हो गई 0 हो गई। बोलो हाँ या ना ये देखो वेलोसिटी 0 हो गई ठीक। द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेकर कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम तो हमें पता करना है इसका डिस्प्लेसमेंट क्या है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम रहता है तो डिस्प्लेसमेंट पता करना है। अब देखो ये जो इसमें तो कोई इक्वेशन नहीं बनने वाली ए टी वी एस इसमें तो कोई इक्वेशन नहीं बनेगी अपन को कैसे भी करके यू चाहिए ही चाहिए और यू हम कैसे निकालेंगे पहले एक काम करते हैं ए टी वी एस है तो इस इक्वेशन को यूज करके फर्स्ट इक्वेशन और मोशन लगाते हैं और निकाल लेते हैं हमारा यू तो यू अपना तो फर्स्ट इक्वेशन और मोशन होता है वी इक्वल टू यू प्लस ए टी यही होता है v की वैल्यू हमें बता दी गई है 0 की v की वैल्यू 0 है u की वैल्यू हमें मालूम नहीं u की वैल्यू हमें पता करनी है तो u की वैल्यू u का u हुआ सीधा प्लस at में क्या है at a क्या है हमारा 6 मीटर पर सेकेंड लेकिन ये माइनस का 6 है याद रखना है ये माइनस का 6 है 6 मीटर पर सेकेंड ठीक इनटू टाइम कितना दिया गया है भाई टाइम हमें दिया है 2 से तो ये हो जाएगा 0 से तो होगा नहीं तो ये हो जाएगा 6 टू द 12 और 12 जो है वो भी आएगा माइनस का 12 अब ये 12 को मैं उस साइड भेजूंगा तो ये माइनस और प्लस का हो जाएगा तो मुझे मिल चुका है यू की वैल्यू ये हो जाएगा प्लस यू की वैल्यू हमें पता चल गई है 12। अब मैं आधा कुछ हूँ पूरा कुछ कब होगा जब मुझे एस पर भी पता चल जाएगा तो काम करते हैं अपन लगाते हैं सेकेंड इक्वेशन हम मोशन लगाएंगे और s निकाल देंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है वो है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। अब इसी में मैं पुट करके अपना s भी निकाल लूंगा s मुझे मालूम नहीं है s को मैं छोड़ दूंगा क्या u मालूम है मुझे जी यू बिल्कुल मालूम यू आ रहा है t कितना दिया गया भाई t दिया गया है 2 सेकेंड एक मिनट मैं थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ आपको विजिबल है ना पूरा यहाँ दिख तो रहे ना सब ठीक यू मेरा 12 है ए
इनटू टाइम 2 सेकेंड्स है, प्लस करोगे हाफ, ए कितना दिया गया है, ए 6 मीटर है, इनटू टी कितना दिया गया है, टी मुझे दिया गया है 2 सेकेंड। अब ये 2 आप डायरेक्ट लिखोगे ये 4 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। अब क्या करेंगे हम, कार देखेंगे, ये 1 बार में जाएगा, ये जाएगा 3 में। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 4 12 होता है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये मुझे मिलेगा 12 2 होता है 24 माइनस करोगे और ये हो जाएगा 3 4 12। अब माइनस करने के बाद 24 में 12 माइनस करोगे तो ये मुझे मिल जाएगा 12। तो हमें S की वैल्यू भी जो है वो पता चल गई है, ये भी 12 होता है, तो ये इसका आंसर है। तो आज हमने पूरे 5 NCERT के न्यूमेरिकल